ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऋषभ पंत क्या दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़कर सीएसके में जाने वाले हैं? यार क्या झोल है ये, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर साल 2022 हुआ था, तब से अब तक उनको एक साल हो गया है क्रिकेट के मैदान से। वो इस वक्त फिलहाल दूर चल रहे हैं, हालांकि उम्मीद वापसी की है, फैंस को उम्मीद उनकी वापसी की है और वो भी जल्द वापसी की है। इस वक्त वो रिहैब कंप्लीट कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइजेस करते हुए नजर आते हैं, कभी पैर की एक्सरसाइज करते हैं, कभी पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, फिट होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी की बात करें तो ये खिलाड़ी हर किसी का चाहता है, हर कोई चाहता है ये वापसी कर जाए। टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं, रिकी पोंटिंग और दिल्ली कैपिटल्स भी ऋषभ पंत को मिस कर रही है। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर को हटाकर ऋषभ पंत को ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपना कप्तान बनाया था और पिछले 2-3 सालों से ऋषभ पंत ने ही दिल्ली की कमान संभाली हुई है। हालांकि पिछले साल जब इनका एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पर डेविड वार्नर के हाथ पे कमान दे दी गई थी, लेकिन डेविड वार्नर से उस तरीके की कप्तानी नहीं हुई और दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा खराब प्रदर्शन किया। डेविड वार्नर की कप्तानी पे दिल्ली कैपिटल्स ने नंबर 9 पे पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पे फिनिश किया। तो उसके बाद फिर से ये चीज़ें होने लगे कि ऋषभ पंत को वापसी करवाओ ताकि एक अच्छे कप्तान हमें मिल पाए दिल्ली के लिए, जो दिल्ली की कमान संभाल पाए। इसी को लेकर ऋषभ पंत अब आईपीएल 2024 में दिल्ली की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन एक कैच यहाँ पे ये आ गया है कि जब हमने ऋषभ पंत का ट्विटर अकाउंट जाके देखा, वहाँ पे वो सबको फॉलो कर रहे हैं, अक्षर पटेल को फॉलो कर रहे हैं, रिकी पोंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेन टीम जो उनकी फ्रेंचाइजी टीम है, दिल्ली कैपिटल्स का जो ऑफिशियल हैंडल है, उसको ऋषभ पंत फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जबकि ऋषभ पंत को लेकर दिल्ली कैपिटल्स ने एक बहुत प्यारा सा डेडिकेशन वाला वीडियो डाला था, उसमें उनकी एक साल तक की पूरी जर्नी दिखाई थी, कैसे एक्सीडेंट के बाद अब वो क्रिकेट के मैदान में वापसी को पूरी तरीके से तैयार हैं। वो पूरा 3-4 मिनट का वो वीडियो था और बड़ी मेहनत से वो वीडियो डाला था। अब बताइए, दिल्ली कैपिटल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ऋषभ पंत, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं क्या ऋषभ पंत दिल्ली को छोड़कर सीएसके का दामन अपनाने वाले हैं? क्यों? क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि एमएस धोनी के बाद सीएसके की कमान ऋषभ पंत ही संभालेंगे। अब पूरा मामला क्या है ये तो भैया पंत और दिल्ली कैपिटल्स वाले ही जाने। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, दिल्ली और पंत के बीच में कुछ सही नहीं है, या फिर ये जस्ट रूमर्स है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।